दिल्ली में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह ने हमारे संवाददाता से बात की अमित दुबे से। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं में प्रियंका गांधी को लेकर क्रेज है, इसे नकारा नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन करेंगी। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से लगातार महंगाई बढ़ रही है। सुखराम सिंह का बड़ा बयान पार्टी लाइन से हटकर जवाहर 9 TV पर उन्होंने दिया। प्रियंका उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाएंगी। बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सरकार का महंगाई पर ध्यान नहीं है। प्रियंका से युवा और महिलाएं प्रभावित हैं। पार्टी लाइन से हटकर है सुखराम सिंह यादव का यह बयान प्रियंका गांधी को लेकर। सुखराम सिंह यादव का बयान का उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन ला सकती हैं प्रियंका गांधी। देश की जनता पर 2020 में महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यूपी में परिवहन विभाग ने 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया भी बढ़ाया है। बात करते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव हमारे साथ है। सर, पहले सिलेंडर, अन्य चीजें, अब यूपी में भी किराए की बढ़ोतरी। देखिए, इस सरकार में खास बात ये रही कि धार्मिक मामलों में जनता का ध्यान भटकाने के कारण ये महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनका मानना ये है कि ईश्वर के नाम पर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाए, रोजगार ना मिले और समस्याएं पैदा हों, लेकिन जब हम ईश्वर का नाम ले लेंगे तो हमारी जनता धर्मभीरु है, इसलिए उसको मान करके हमें समर्थन करती रहेगी। इस भावना से ग्रस्त होकर के ये ऐसा काम करते हैं। सर, चूंकि आप यूपी से आते, बात करें तो प्रियंका गांधी के लेके कल मायावती ने ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी को राजस्थान देखना चाहिए, हर बार यूपी में आ जाती हैं। मायावती इस तरह सक्रिय दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी, ये मैं सही कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी वास्तव में राजनीति जो आई हैं उसका प्रभाव आम युवा में, महिलाओं में पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये कह देना कि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गलत है। राजनीति में हर की अपनी में अलग भूमिका होती है। प्रियंका जी की राजनीति में उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ परिवर्तन लाएंगी, मैं समझता हूँ। सर, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, NPR को लेकर सवाल उठाया कि सारा डेटा सरकार के पास मौजूद है, फिर किस वजह से कर रही है। हालांकि बीजेपी लेके इसे कैंपेन चला रही है कि जिस तरह से खासतौर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू या अन्य साथ में जिस तरह से जाती हुई है। अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दे नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता का ध्यान भड़काने काम करती है और ऐसे मामले उठाती है जो पाकिस्तान के विरोध में हों, जनता इसी में खुश हो जाती है, उनका काम चल जाता है। ये हमेशा हमेशा उनका काम रहा है।